अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी। आप इस वर्ड से फैमिलियर हैं, आपको पता है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इट इट्स द प्रोटीन सिंथेसिस का आर द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी विच इंक्लूड्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अच्छा, तो ये तो इसके सिंपलेस्ट सा एक आइडिया है जो सबको पता है। हम जरा मोर प्रिसाइज डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी। द सेंट्रल डॉगमा इज द प्रोसेस बाय विच द इंस्ट्रक्शंस इन डीएनए आर कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शनल प्रोडक्ट। दिस इज द मोर प्रिसाइज डेफिनेशन। द सेंट्रल डॉगमा इज द प्रोसेस by which the instructions of DNA are converted into functional product, कि जो इंफॉर्मेशन DNA से डायरेक्ट मिलती है और कोई सी भी फंक्शनल प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होती है, तो उसको हम कहेंगे सेंट्रल डॉगमा। अब वो DNA की इंफॉर्मेशन, आपको पता है कि DNA रेप्लिकेशन भी हो सकती है और ट्रांसक्रिप्शन है एंड ट्रांसलेशन है। दीज थ्री प्रोसेसेस इंक्लूड इन सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी। द सेंट्रल डॉगमा स्टेट्स दैट द पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन आर सेल्स इज फ्रॉम एग्जिस्टिंग डीएनए टू मेक न्यू डीएनए, यानी डीएनए रेप्लिकेशन आगे इसमें, फ्रॉम डीएनए टू मेक न्यू आरएनए। डीएनए की इंफॉर्मेशन अगर आरएनए की शक्ल में आती है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। अगर डीएनए से ही न्यू इंफॉर्मेशन जो है उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है कि डीएनए ही बनाना है, न्यू कॉपी उसके बनानी है, तो डीएनए रेप्लिकेशन है। अब जो आरएनए है, ट्रांसक्रिप्ट डिकोड्स इनटू अ पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। दिस ऑल दीज फिनोमिना प्रोसेसेस वी कैन से इंक्लूड इन अ सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इनसे आपकी फैमिलियरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज जीनोम। एंटायर जीनेटिक मेकअप को कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, उसको हम जीनोम बोलेंगे। एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका एंटायर, उसका सारे का सारा जीनेटिक मेकअप जो है, दिस इज जीनोम। अच्छा, दैट इज जीनोम। एंड द टोटल डीएनए, वी कैन से द टोटल डीएनए जीनेटिक इंफॉर्मेशन, टोटल डीएनए कंटेन्ड इन एन ऑर्गेनिजम्स और अ सेल, इट इज स्टोर हाउस ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इट इंक्लूड्स द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस एंड द डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब हम इसको यूं भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, द टोटल डीएनए कंटेन एन ऑर्गेनिज्म और अ सेल, इट स्टोर हाउस, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इट इंक्लूड्स द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस एंड माइट्रो, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का भी जीनोम है, प्लास्टिड्स का भी जीनोम है। ठीक है, ये सारे जिसका भी जीनोम, होल जीनोम को हम कहेंगे, के सारी की सारी टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हम कहेंगे जीनोम। अब ट्रांसक्रिप्टोम क्या है, इसके नाम को ही जरा गौर करें, ट्रांसक्रिप्शन से निकला होगा ना, कुछ सोचें। ट्रांसक्रिप्टोम द आरएनए कॉपीज ऑफ द एक्टिव प्रोटीन कोडिंग जीन्स। अब जो आरएनए की कॉपीज बन जाती है ना, जो एक्टिव जिन्होंने कोड करना है एक पर्टिकुलर प्रोटीन का, एक सेगमेंट स्पेसिफिक है, तो जो मैसेंजर आरएनए है उसको ट्रांसक्रिप्टोम बोलेंगे। इट इज द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कोई भी आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो आपका आंसर शुड बी यही होना चाहिए, योर आंसर शुड बी द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अच्छा, इट इज द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन विद डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। प्रोटियोसोम क्या है, लस होता है प्रोटियोसोम, अब वो से प्रोटीन से निकला होगा, ये जरा गौर करें, वर्ड्स पे गौर किया करें। तो रेपोजिटरी, द सेंट्रल जो है ना, एक स्टोरेज जो चीज़ है, रेपोजिटरी कहें या स्टोर हाउस कह लें, ठीक है, एक सेंट्रल सा जिसमें सारी की सारी स्टोर होती है इंफॉर्मेशन या कोई भी एनर्जी है या कुछ भी,
या हम रेपरटॉयर बोलेंगे, इन सब चीजों के मीनिंग सेम है, ऑफ सेल्स प्रोटीन। ठीक है, जो सारी की सारी प्रोटीन जो है पर्टिकुलर एक सेंट्रल सा अपना एक एग्रीगेशन उनकी होती है, और एक स्ट्रक्चर सा बनाते हैं प्रोटियोसोम बोलेंगे। इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर रेंज ऑफ प्रोटीन्स एंड देयर बायोलॉजिकल फंक्शंस इन अ सेल। ऑलराइट, अब सेंट्रल डॉगमा की एक पिक्टोरियल सी स्लाइड है। अच्छा, अब ये देखें कि आपको ये जो है ना स्लाइड से ही याद करने की जरूरत नहीं है, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये देखिए, डीएनए जो है, डीएनए से ही डीएनए की कॉपी बन जाना, इसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलेंगे। ठीक है, अब डीएनए से आरएनए को बन जाने को कहेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, ये तो ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए से आरएनए, और अगर आरएनए से अगेन डीएनए बन जाता है तो इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ठीक है, अब जो आरएनए से प्रोटीन बन जाती है उसको हम ट्रांसलेशन बोलेंगे। ठीक है, अब जो है ना ये कन्वेंशनल कंसेप्ट है हमारा पहले वाला, उसको हम इन टर्मिनोलॉजीज में हम बात करें डीएनए से आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब सेंट्रल डॉगमा ही को नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि हमने देखा था कि सेंट्रल डॉगमा इज द प्रोसेस बाय विच द इंस्ट्रक्शंस इन डीएनए आर कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शनल प्रोडक्ट। इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1958 बाय फ्रांसिस क्रिक एंड डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, फ्रांसिस क्रिक ने 1958 में इसका जो है ना फर्स्ट टाइम जिसको प्रपोज किया था, और इसने जिसने डीएनए की डिस्कवरी भी की थी। ठीक है, उसमें भी इसका रोल था, वाटसन के साथ। ठीक है, तो उसने ये सेंट्रल डॉगमा का वर्ड यूज किया था। द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी एक्सप्लेन्स द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू मेक अ फंक्शनल प्रोडक्ट अ प्रोटीन। अगेन वही चीज है, वर्ड्स को घुमा फिरा के बताया जा रहा आपको समझाने के लिए। द सेंट्रल डॉगमा सजेस्ट दैट डीएनए कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक ऑल ऑफ आर प्रोटीन्स एंड दैट आरएनए इज मैसेंजर आरएनए दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन टू द राइबोसोम्स। ठीक है, द इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक ऑल आवर प्रोटीन, जो भी इंफॉर्मेशन सारी प्रोटीन बनाने के लिए मैसेंजर आरएनए जो है ना जो इंफॉर्मेशन रखता है और जो है ना कैरीज दिस इंफॉर्मेशन टू द राइबोसोम्स, ये सारी के सारी जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेसेस में आ जाते हैं। द राइबोसोम सर्व एज द फैक्ट्रीज इन द सेल वेयर द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम अ कोड इनटू अ फंक्शनल प्रोडक्ट। आपको पता है राइबोसोम्स का क्या रोल है? राइबोसोम के साथ मैसेंजर आरएनए जो अटैच होते हैं, और देन टीआरएनए जो है अपना पर्टिकुलर जो एंटीकोडान होता है उसके जो कंप्लीमेंट्री बेसिस हैं मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड करते हैं, और जो एक्टिवेटेड टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, और राइबोसोम्स जो हैं आप यूँ समझे एक्ट एज अ व्हीकल, एक पर्टिकुलर राइबोसोम को कैरी करते हैं एक प्रॉपर प्लेस जब उसका फंक्शन टीआरएनए ने अपना पर्टिकुलर जो है एंटीकोडॉन जो है जहाँ कंपैटिबिलिटी अपनी देख ली, कंप्लीमेंट्री अपने सीक्वेंसेस देख लिए, वो उसके साथ बाइंड करता है, और वो जब फ्री हो जाता है फॉर अनदर अमीनो एसिड्स को कह लें या दोबारा रिचार्ज होने के लिए। तो राइबोसोम का क्या काम है? एज ए व्हीकल वो पकड़ता है डिफरेंट, लेता है डिफरेंट टीआरएनए को, और देन वो जहाँ जहाँ होमोलॉजी फाइंड करता है मैसेंजर आरएनए, वहाँ वहाँ उसका फंक्शन है कि वहाँ मूव नेक्स्ट मूव कर जाता है, और फिर वहीं पे जहाँ पे कंप्लीमेंट्री बेसिस देखता है वहाँ पे उसको ले जाता है टीआरएनए को, और वहाँ पे वो अपने कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ पेयरिंग कर लेते हैं, और देन वो फिर फर्दर जो है फ्री हो जाता है टीआरएनए, फिर अगेन जो टीआरएनए एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, फिर अगेन ये प्रोसेस चलता रहता है। द प्रोसेस बाय विच डीएनए इंस्ट्रक्शंस आर कन्वर्टेड इनटू द फंक्शनल प्रोडक्ट, वही जीन एक्सप्रेशन भी इसको बोलेंगे। जीन एक्सप्रेशन हैज टू की स्टेजेस, आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन और जीन एक्सप्रेशन भी अगर पूछा जाए ना आपसे तो इसकी भी टू स्टेजेस हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए ऑफ एवरी सेल, इंफॉर्मेशन एवरी सेल इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पोर्टेबल आरएनए मैसेजेस, आरएनए की मैसेजेस के फॉर्म में डीएनए से इंफॉर्मेशन आती है।
ड्यूरिंग ट्रांसलेशन दीज मैसेजेस ट्रेवल फ्रॉम वेयर द डीएनए इज इन द सेल न्यूक्लियस टू द राइबोसोम्स वेयर दे आर रेड टू मेक स्पेसिफिक प्रोटीन. अब ट्रांसलेशन में क्या होता है, द मैसेजेस ट्रेवल फ्रॉम वेयर द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस टू राइबोसोम वेयर दे आर रेड टू मेक, वही वाली बात कंप्लीमेंट्री, वही जो है प्रोटीन ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है. In central dogma states that the pattern of information that occurs most frequently in our cells is from existing. अब जो है central dogma जो है क्या state करता है, pattern of information जो है कौन सी information occurs most frequently from existing DNA to make a new DNA copy, DNA replication भी आ जाती है इसमें, to make DNA to make from DNA to make new RNA जिसमें transcription भी आती है, फ्रॉम आर एन ए से न्यू प्रोटीन और ट्रांसलेशन यानी कि डी एन ए रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन मैसेजर आर एन ए या आर एन ए का बन जाना और ट्रांसलेशन जो है प्रोटीन का बन जाना, ये सारे प्रोसेस जो है थ्री के थ्री जो है इसमें इंक्लूड है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में. ठीक है, मोस्टली लोगों को यही पता होता है कि हाँ सेंट्रल डॉगमा प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वो जीन एक्सप्रेशन के भी ये दोनों एलिमेंट्स है, लेकिन सेंट्रल डॉगमा में डीएनए रेप्लिकेशन भी आ जाता है. अच्छा अब जो है मोर प्रिसाइज जो है ना इसका जो कह लें कि कंसेप्ट है करंट कंसेप्ट बायोइनफॉर्मेटिक वही बात है, डीएनए की जगह हम जीनोम की बात कर लें, कुछ वर्ड्स को जरा मॉडर्नाइज कर लें, करंट कंसेप्ट ऑफ बायोइनफॉर्मेटिक्स एरा. ठीक है, उसमें हम जीनोम से इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसक्रिप्टोम में आ गई, यानी जीन लेवल की बात ट्रांसक्रिप्टोम में, जिसमें प्रोमोटर है टर्मिनेटर, प्रोमोटर से लेके टर्मिनेटर सारे जो हैं इसेंशियल एलिमेंट जीन एक्सप्रेशन के लिए सो होने चाहिए उस उन वर्ड्स में, ये एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है यूज किया. कन्वेंशनल में क्या यूज़ करते थे हम, डीएनए से आरएनए बन गया. अब जो मॉडर्न है और करंट एरा जो है उसमें चलती है वो जीनोम से ट्रांसक्रिप्टोम जो बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्टोम से प्रोटियोसोम जो प्रोटियोम बनता है उसको हम ट्रांसलेशन बोल दें, और डीएनए से ही डीएनए जो बन गया डीएनए रेप्लिकेशन हो गई, और ट्रांसक्रिप्टोम से अगेन जीनोम बन गया यानी कि आरएनए से अगेन डीएनए ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गई. ठीक है, ये हमारी जरा मॉडर्नाइज्ड टर्मिनोलॉजीज है जो कंसेप्ट करंट कंसेप्ट ऑफ बायोइनफॉर्मेटिक्स है. ऑलराइट, अब प्रोटियोम्स का हमने एक वर्ड यहाँ पे देखा है. अच्छा एक वर्ड है प्रोटियोम यानी कि प्रोटीन बन गई. ठीक है, एक एक वर्ड था प्रोटियोसोम. प्रोटियोसोम क्या है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है डिफरेंट एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन के सब यूनिट से, और ये इस तरह से डिफरेंट उसके साइज में जब इंक्रीमेंट हो जाता है डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन के एग्रीगेशन से इसको प्रोटियोसोम बोलते हैं. ठीक है, अच्छा तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स थी. और ट्रांसक्रिप्शन क्या है, नेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन क्या है, जैसे आरएनए सिंथेसिस भी बोलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होनी चाहिए. ट्रांसक्रिप्शन इज द सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल यूजिंग डीएनए एज अ टेम्पलेट. डीएनए को टेम्पलेट के तौर पर यूज करते हैं. दिस रिजल्ट दैट रिजल्ट इन द transfer of information stored in a double-stranded DNA into a single-stranded RNA, which is used by the cell to direct the protein synthesis. ठीक है, अब जब वही सिंपल सी बात है कि डीएनए की इंफॉर्मेशन को जो है आरएनए की फॉर्म में जो कन्वर्ट हो जाती है और प्रोटीन सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे. अब ये देखें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अनवाइंड हुआ सबसे पहले जो है ना, अब सबको पता होना चाहिए, मैंने पहले बताया था कि व्हाट जो है ना टेम्पलेट क्या है और नॉन टेम्पलेट डीएनए कौन सा है. टेम्पलेट डीएनए वो है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो वहाँ पे आके बाइंड करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपैटिबल आरएनए स्ट्रैंड. ठीक है, वहाँ पे बनेगा सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए. ये देखें डीएनए से यहाँ पे ये मैसेंजर आरएनए ये बन गया, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, और ये ट्रांसक्रिप्ट है जो न्यू हमारा बना है. अब देखें ट्रांसक्रिप्ट से देन प्रोटीन का बन जाना, दिस इज ट्रांसलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन क्या है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स. अब ये देखें कि ये एक देखें सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये देखें न्यूक्लियस में ये आपको क्या नजर आ रहा है डीएनए है. डीएनए अनवाइंड हुआ, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन जो है मैसेंजर आरएनए की जरूरत में आई,
और इन केस ऑफ यूकेरियोट्स अगर बात की जाए तो यूकेरियोट्स में मैसेंजर आरएनए जो है ना इसमें स्प्लाइसिंग होती है, इसमें जो कुछ नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं जीन के, ठीक है, ड्यूरिंग जब प्री मैसेंजर आरएनए बन जाता है, बताया था कि उसमें स्प्लाइसिंग होती है तो उसमें जो नॉन कोडिंग रीजन्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये वही, ये देखें, ये आपको राइबोसोम का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये देखें मैसेंजर आरएनए है, ये टीआरएनए है जो चार्ट आते हैं कंटेनिंग पर्टिकुलर अमीनो एसिड, जब ये जब इनके साथ एंटीकोडॉन्स लगे होते हैं, जब ये मैसेंजर आरएनए के साथ जहाँ पे अपनी कंप्लीमेंटैरिटी फाइंड करते हैं बाइंड कर जाते हैं और इनका चार्ट अमीनो एसिड है वो इस तरह से लेफ्ट करते जाते हैं, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है। और जब ये फ्री हो जाता है टीआरएनए, जब अपना प्रोटीन भी दे देता है और ये एंटीकोडॉन भी, तो ये फ्री हो जाता है फॉर द नेक्स्ट पिकअप करने के लिए अगेन कोई अदर अमीनो एसिड्स और जो कंटेनिंग एन अदर एंटीकोडॉन, तो ये एक प्रोसेस है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म में होता है और जो मैसेंजर आरएनए जो है ना यहाँ पे बन जाता है प्री मेच्योर मैसेंजर आरएनए, ये न्यूक्लियस में बनता है, देन वो साइटोप्लाज्म में मूव करता है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। ऑलराइट, अब एक्सप्रेशन ऑफ जीनेटिक इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसक्रिप्शन क्या है? आपको पता है कि जीन है, एक जीन है, अगर डीएनए है, डीएनए का पर्टिकुलर सीक्वेंस दैट कोड फॉर ए पर्टिकुलर कोई फाइनल प्रोडक्ट यानी प्रोटीन को कहते हैं, अगर कह रहा है सेगमेंट एक पर्टिकुलर जो उसने कोडिंग रीजन है उसको हम जीन बोले। अच्छा, अब इन केस ऑफ अगर यूकेरियोट्स की बात की जाए जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन, तो आपको ये बता दूं कि जो यूकेरियोट्स में है, प्रोकेरियोट्स में तो जो आपको डिफरेंसेस भी बताऊंगी कि ट्रांसक्रिप्शन में यूकेरियोट्स में प्रोकेरियोट्स में क्या डिफरेंसेस है, प्रोकेरियोट्स में और यूकेरियोट्स के सारे जो है इसमें अगर यूकेरियोट्स का अगर जस्ट देखा जाए तो इसमें जो 5' एंड है ये कैप्ड होता है, कैप्ड विद 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड इसके 3' पोली ए टेल लगी होती है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोटेक्टिव इनका फंक्शन है और जो इनका राइबोसोम है वो देखा जाए तो 40X6 बड़ा जो लार्जर सब यूनिट है उसमें 60S का है और जो स्मॉलर वन है 40S का, और 40S का जो बनता है इसमें ये जो स्मॉलर सब यूनिट है ये देखें 28, ये देखें इसमें 28 है 60 और 5.8 है, ये डिफरेंट सब यूनिट्स मिलके ये साइज देते हैं, ये टोटल इनका अगर हम सेंट्रीफ्यूज किया जाए तो इसका जो टोटल साइज बनता है वो 80S का बनता है, ठीक है। इसमें स्मॉलर अदर भी सब यूनिट होते हैं, ठीक है। आप देखें टीआरएनए को देखें, टीआरएनए जो है ना इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपको नजर आ रहा है 4 डबल स्ट्रैंडेड जो है ना, ये देखें 4 डबल स्ट्रैंडेड जो है ना इसमें जो है ना स्टेम्स हैं, 1, 2, 3 and 4 डबल स्ट्रैंडेड स्टेम्स हैं, ये भी डबल स्ट्रैंडेड है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड है एंड ये भी डबल स्ट्रैंडेड है, 3 ऑफ देम विद जो है ना सिंगल स्ट्रैंडेड लूप्स है। अब दिस इज लूप, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये भी लूप है, ये सिंगल स्ट्रैंडिंग है कंटेनिंग द एंटीकोडॉन एंड दिस इज आल्सो लूप विद अ सिंगल स्ट्रैंडेड लूप, ठीक है, फ्रॉम दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल्स। आपको पता है कि अमीनो एसिड की बाइंडिंग 3' एंड पे होती है और जो है ना इस जो है एंटीकोडॉन आर्म के साथ एंटीकोडॉन अटैच होता है, ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। और आपको अगर देखा जाए कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का आपको पूछ लिया जाए, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्राइमरी बेसिक इंफॉर्मेशन के तौर पे काम करती हैं, सबको आपको इनसे फैमिलैरिटी होनी चाहिए। अब आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, पायरिमिडीन है, प्यूरिन्स हैं, और पायरिमिडीन में आ जाते हैं साइटोसिन है, थायमिन एंड यूरासिल है सिंगल साइक्लिक, प्यूरिन्स डबल साइक्लिक, इसमें एडिनिन एंड गुआनिन आ जाते हैं। अब ये पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस जो है
ठीक है। अब पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप के साथ मिलके ये डिफरेंट टाइप के राइबो न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। क्या पता न्यूक्लियोटाइड के थ्री कंपोनेंट्स हैं, एक शुगर है, फास्फेट ग्रुप है और नाइट्रोजनस बेस है, डिफरेंट इस तरह से मिलके। अगर ये डिफरेंट देखें, एटीपी है तो इसमें एडिनोसिन है, अटैच करेगा जो फास्फेट ग्रुप है, एडिनोसिन है और जो है ना शुगर है, पेंटोज, पेंटोज शुगर है, ठीक है, और एडिनोसिन है और जो है फास्फेट जो ग्रुप है, वो तीन चीज़ें मिलके ये बना देंगी एटीपी। फिर जीटीपी गुआनोसिन अटैच है, सीटीपी अगर कहा जाए तो रिबो न्यूक्लियोटाइड में ये साइटोसिन, यूटीपी में यूरासिल, ट्राइफॉस्फेट है ना। अच्छा, ये आपकी जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए है। अच्छा, अब आपको अगर टाइप्स ऑफ सेल और आरएनए का कहा जाए तो ये सबको पहले भी आपको बताया गया है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। सेवरल स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो है, एसएन आरएनए इज इन्वॉल्वड इन द मैसेंजर आरएनए सप्लाई चेन इन्वॉल्वड इन। और ये जो तीनों किस्म के आरएनए है, मैसेंजर आरएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, ये जो है इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, अब इनके फंक्शंस को अगर देखा जाए तो देखिए, मैसेंजर आरएनए सर्व एज द टेम्पलेट, मैसेंजर आरएनए, दिस इज द मैसेंजर आरएनए सर्व द टेम्पलेट फॉर प्रोटीन बायोसिंथेसिस एंड ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। टीआरएनए क्या करते हैं, आपको पता है, एंटीकोडन कैरीज द अमीनो एसिड्स एंड एक्टिवेटेड फॉर्म टू द राइबोसोम फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसमें एंटीकोडॉन्स भी लगे होते हैं और इनके पर्टिकुलर अमीनो एसिड अटैच होता है, एक्टिवेटेड, ठीक है। आरएनए जो है मेंटेन द राइबोसोमल स्ट्रक्चर, आल्सो पार्टिसिपेट इन प्रोटीन बायोसिंथेसिस बाय बाइंडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए, राइबोसिट फंक्शन एज एन एंजाइम राइबोजाइम हैविंग कैटालिटिक एक्टिव। अगर आपको पता, राइबो व्हाट इज राइबोजाइम, ठीक है, ये अगर कोई राइबोसोम का एक पोर्शन है पार्टिकुलर जो कैटालिटिक एक्टिविटीज, जो एंजाइमेटिक फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको राइबोजाइम कहते हैं। अच्छा, इसको देखा जाए कि ये देखिए मैसेंजर आरएनए, ये वाला, ये राइबोसोम के सब यूनिट्स हैं, कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन है, कंप्लीटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन है, इस तरह से इसकी डायरेक्शन बताई गई। इसमें देखिए, ये देखें वो, फिर वही बात, ये राइबोसोम है, इसका लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है एंड दिस इज मैसेंजर आरएनए, इस तरह से टाइप डिफरेंट, और ये डिफरेंट चार्ज टीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। ये देखिए पर्टिकुलर अमीनो एसिड इनके साथ लगा होता है, जब ये पर्टिकुलर कंप्लीमेंट्री बेसिस के साथ अटैच हो जाते हैं तो अपना जो है प्रोटीन जो है वो इधर को छोड़ते जाते हैं और जो फ्री हो जाते हैं इस तरह से बाहर, अगेन जो है किसी और अमीनो एसिड को कैरी करने के, और ये प्रोसेस चलता है अंटिल आरएनएस के टर्मिनेशन कोडान ना आ जाए। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में हम आरएनए पॉलीमरेज जो है इज द मेन एंजाइम, ठीक है। अब इसमें प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज जो है, प्रोकैरियोट्स हैव सिंगल आरएनए पॉलीमरेज दैट ट्रांसफर ऑल थ्री आरएनएस, एक एंजाइम से है जिससे ये तीनों के तीनों जो है ना आरएनएस बनते हैं, मैसेंजर आरएनए के लिए राइबोसोम और टीआरएनए जो है एक टाइप के जो है आरएनए पॉलीमरेज से बनता है। आरएनए पॉलीमरेज कंटेन फोर सब यूनिट्स, इसमें टू अल्फा है, बीटा, बीटा प्राइम, अच्छा, विच फॉर्म दी कोर एंजाइम। अब चार जो है ना सब यूनिट बनाते हैं कोर एंजाइम। अच्छा, द एक्टिव एंजाइम इज कोर एंजाइम प्लस फिफ्थ सब यूनिट सिग्मा फैक्टर है, एंड जो प्लस जो फिफ्थ वन, जो फिफ्थ है ना, यानी कि चार तो ये बन गए, दो सब यूनिट है अल्फा और बीटा, बीटा प्राइम, ठीक है, ये चार हो गए, पांचवा जो है ना ये कंबाइन है, सिग्मा फैक्टर और मेगा सब यूनिट है, ठीक है, ये अटैच होता है, ये एक्टिव एंजाइम है। कोर एंजाइम किसको कहेंगे भाई, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें जो फोर सब यूनिट कोर स्ट्रक्चर बनाते हैं ये एंजाइम। अब फंक्शन ऑफ सिग्मा फैक्टर बाइंडिंग द, इसका क्या है, इसका फंक्शन क्या है सिग्मा फैक्टर्स का,
ये इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है कि बाइंडिंग ऑफ द पॉलीमरेज टू स्पेसिफिक प्रमोटर रीजन ऑफ डीएनए टेम्पलेट। अब आरएनए पॉलीमरेज इज अ मेटेलो एंजाइम कंटेनिंग जिंक मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें मेटल्स होते हैं। अच्छा, अब जो है ना इसी का स्ट्रक्चर जो है बताया जा रहा है आरएनए पॉलीमरेज का। प्रोकैरियोट्स हैव सिंगल आरएनए पॉलीमरेज दैट कंटेन्स ऑल थ्री आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। इसके सब यूनिट हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसमें टू अल्फा है, बीटा प्राइम है, ओमेगा सब यूनिट, सिग्मा फैक्टर्स हैं। अब जो सिग्मा फैक्टर्स तरह, और ये जो है ना ये पोर्शन ये कोर एंजाइम का, यहाँ पे ओमेगा सब यूनिट, उसको पूरे को होलो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। अब यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस कौन से, इट कन इन कंट्रास्ट प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक सेल्स हैव थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस, आरएनए पॉलीमरेज वन, आरएनए पॉलीमरेज टू एंड आरएनए पॉलीमरेज थ्री इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट आर एक ही टाइप के आरएनए पॉलीमरेज थे जो तीनों टाइप के मैसेज आरएनएस बनाते थे। अब इसमें जो थ्री डिफरेंट टाइप्स के हैं और जो डिफरेंट टाइप के आरएनएस बनाते हैं, ठीक है। इन कंट्रास्ट प्रो यूकैरियोट सेल्स हैव थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस आर कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस और डिफर इन टेम्पलेट स्पेसिफिसिटी, डिफर इन लोकेशन इन द न्यूक्लियस, आर रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ जीन्स, डिफरेंट सेट्स ऑफ जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करेंगे डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस, ठीक है। और इनकी लोकेशन भी डिफरेंट होगी न्यूक्लियस में एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट, टेम्पलेट की स्पेसिफिसिटी और कम्प्लेक्स दैन प्रोकैरियोट होंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए आर फॉर्म। अब इनकी देखें आरएनए पॉलीमरेज टाइप्स ऑफ डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंड करता है ना आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज वन जो है इसको आरएनए पॉलीमरेज ए भी कहेंगे, आरएनए पॉलीमरेज टू को आरएनए बी भी कहेंगे, पॉलीमरेज टू और बी आरएनए पॉलीमरेज थ्री को आरएनए पॉलीमरेज सी भी कहते हैं। इनकी लोकेशन है आरएनए पॉलीमरेज वन की न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस में है, आरएनए पॉलीमरेज टू की न्यूक्लियोप्लाज्म में है, आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोप्लाज्म में है। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्रिकर्सर ऑफ आरएनए फॉर्म, इसके जो 18S है, 5.8 एंड 28S, ये इसके स्मॉल सब यूनिट हैं अगेन जो है। अब ये सेंसिटिव, ये एक जो है ना सेंसिटिव टुवर्ड द एमिनिटिन जो है, ये टॉक्सिन के डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन्स हैं, जैसे डिफरेंट मशरूम्स टॉक्सिन्स हैं उनको उनके अगेंस्ट जो है ये वर्कआउट करते हैं, जैसे एमानिटा है एक टाइप ऑफ मशरूम है, पॉइजनस है, उसके लिहाज से सेंसिटिविटी ये सेंसिटिव है एंड इनहिबिटेड है, और ये जो आरएनए पॉलीमरेज ये नॉट इनहिबिटेड है, ठीक है, और ये मॉडरेटली सेंसिटिव है। अच्छा, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इट वाज अ बेसिक लेक्चर, इट वाज अ कंसेप्चुअल लेक्चर बेस्ड ऑन द जो बहुत इम्पोर्टेंट जो है आप पढ़ते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मोलिकुलर बायोलॉजी में। तो ये इसको इसका जो मेन कंसेप्ट है वो आपको देना चाहा कि सेंट्रल डॉगमा किसको कहते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, और जो कन्वेंशनल कंसेप्ट क्या था, सेंट्रल डॉगमा ही ज़्यादा एक्सप्लेन, और जो करंट इसका कंसेप्ट क्या है, और कुछ जो प्रोटियोसोम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, और कुछ उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं कि मैसेंजर आरएनए किस तरह से है, और डिफरेंट राइबो न्यूक्लियोटाइड्स क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ सेलुलर आरएनए इसके कौन कौन सी टाइप्स हैं, और इनके फंक्शंस क्या हैं, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कौन कौन उनका क्या फंक्शन है, और यूकैरियोटिक जो है इनके सब यूनिट्स क्या हैं स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, फिर यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज कौन कौन से हैं, फिर इनके जो है इनकी टाइप्स और जो आरएनए पॉलीमरेज और जिस तरह से ये बनते हैं उनको देखा क्या है, और जो नेक्स्ट हम जो है पढ़ेंगे जो है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोक्रियोट्स एंड यूकैरियोट। तो उम्मीद की जाती है कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।